नगर के एकता चौक पर सुबह के समय हत्या की खबर पर इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी लगते ही इलाके में दोनों थानों की पुलिस पहुंच गई और शव को बरामद कर मामला दर्ज कर लिया। मृतक 60 वर्षीय अजब सिंह बघेल ग्राम उकाइला का रहने वाला है और 3-4 वर्ष से नगर में एकता चौक पर किराए से रह रहा था। गुरुवार को एकता चौक क्षेत्र में लोगों की भीड़ एकाएक जमा हो गई। मौके पर दोनों थाने की पुलिस भी पहुंचने लगी। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग रात को अपने कमरे में सोए हुए थे। देर रात तक जब घर से नहीं निकले तो मकान मालिक रामबाबू रघुवंशी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उनकी कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। मकान मालिक ने बहुत देर तक उन्हें जगाने का प्रयास किया लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं निकले। तब मकान मालिक ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर सिटी कोतवाली के TI अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने दरवाजे को खोला तो सामने 60 वर्षीय बुजुर्ग के चेहरे पर धारदार हथियार से घाव गुदे मिले और मृतक जमीन पर लेटा मिला। मामले में पुलिस छानबीन में जुट गई है। हत्या के मामले को देखते हुए पुलिस ने विदिशा के फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया लेकिन बड़ी बात तो यह देखने को मिली कि जब तक फॉरेंसिक टीम आती शव को शव वाहन से पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया। फिलहाल जांच अधिकारी ने सिटी थाना SI ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच में लिया गया है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कोई सूचना मिली थी मर्डर की, क्या मामला है सर? पूरा सर थाने सूचना प्राप्त हुई थी कि रामबाबू रघुवंशी के मकान में उनके एक कमरे में अजब सिंह बघेल किराए से रहते थे तो बोले गेट खोलने पर भी उनका गेट नहीं खुला है तो अंदर कई लोगों ने चेक किया, पुलिस वाले भी आ गए थे तो उनके चेहरे पर काफ़ी चोटों के निशान थे। जब फिर तो उनका जो है पूरा PM कार्रवाई की गई और उनका नाम अजब सिंह बघेल पिता श्री मोती सिंह बघेल ग्राम उकावला के रहने वाले हैं और वो यहाँ किराए से करीब 3-4 साल से रहते थे। बाकी उनके सिर में काफ़ी चोटें हैं, उनका सही कारण जानने के लिए हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं। उनके परिवार के लोग भी आ गए हैं और पूरी कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।